अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं। वैसे तो मैं अक्सर जो होता है ना, ऐसे जाऊं तो मैं अपना मोबाइल घर भूल जाती हूं, घर छोड़ जाती हूं, लेकिन आज मैंने प्रॉपर इसको सामने रखा था कि आज मैंने मोबाइल नहीं भूलना है, क्योंकि आज मैं जहाँ जा रही हूँ मैंने आप लोगों के लिए मस्ट व्लॉग शूट करना है और आप लोगों को बताना है। तो व्लॉगिंग में होता यह है कि अपडेट किया जाए डेली के क्या कर रही हूँ, और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है बताना, आप लोगों के साथ शेयर करना, डिस्कस करना, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मेरी कज़न जो है वो हज से वापस आई हैं, तो उनके घर इनविटेशन भी है और वहाँ हम जा रहे हैं उनको मिलने के लिए भी, और खाना वगैरह उधर ही है, फिर इंशाल्लाह रात को वापस आएंगे। तो रात को तो व्लॉग शूट करना ईजी नहीं होता है, तो इस टाइम जाते हुए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करूँ। तो जी हम अभी थोड़ा सा और आगे पहुंच गए, मैंने व्लॉग थोड़ा शूट करना बंद कर दिया था क्योंकि अब इतनी बातें बंदा कहाँ से लाए। खैर मैं बादूनी बहुत हूँ लेकिन इतनी बातें बंदा कहाँ से लाए। तो जहाँ जहाँ पे मैं थोड़ी, एक्चुअली मेरे साथ कुछ और भी हैं तो फिर उनकी बातों की आवाज़ वगैरह भी अंदर आती है, तो उससे बचने के लिए भी थोड़ा आगे आना पड़ता है या थोड़ा पीछे रहना पड़ता है, तो यह चीज़ भी थोड़ी मुश्किल है। तो इस वजह से तो जी जनाब इतनी अच्छी हवा चल रही, ऊपर बादल देखें, सबसे बड़ी बात। लेकिन अगर ये ना होता ना मौसम तो मैं कभी भी ना जाती, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, सही ऊपर बादल चेक करें आप। तो बस इंशाल्लाह अभी हम पहुंचेंगे, फिर वहां जाके भी मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। आगे जो है आप लोगों को एक अच्छी चीज़ दिखाने के लिए, जिस वजह से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया अभी अगेन कंटिन्यू करने के लिए, कि यहाँ पर ना एक दरख्तों का झुरमेंट है, ठीक है, और उसके अंदर घर बना हुआ है, बनाया हुआ है, तो आसपास फुल इसके दरख्त हैं, मतलब दूर से बिल्कुल नहीं पता चलता है, बंदा देख ही नहीं सकता कि अंदर कोई घर हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस घर में कोई भी नहीं रहता है, और न्यू पेंट हुआ है, बनना हुआ तो ये काफ़ी टाइम से है लेकिन पेंट न्यू हुआ है। तो ये देखें इसके आसपास सारे दरख्त हैं, घने दरख्त, और अंदर ये घर बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो जी हमने जाना है इधर, सामने आपको रास्ता नज़र आ रहा है। ओह माई गॉड, रास्ता चेक करें, जंगल है पूरा, इस टाइम डर लग रहा है मुझे तो। और बस इसके बाद पहुंच ही जाना है, लेकिन मुश्किल है ना, यहाँ से जाकर जाना, रास्ता गंदा है, मतलब मौसम बहुत अच्छा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रास्ता नहीं अच्छा, बहुत सारे मिट्टी से भर गए, थक गया मैं, सबसे बड़ी बात थक गया मैं। और बस तो करीब है हम पहुँचने के, हवा इतनी अच्छी लग रहा है, जी हाँ इतनी अच्छी हवा है, फाइनली जंगल हमने क्रॉस कर लिया है, हम निकल आए हैं जंगल से, यहाँ पे ये वाला सारा जंगल ख़त्म हो रहा है। हाँ जी, तो ये हम लोग चढ़ गए हैं, ओ माई गॉड, इधर ऊपर की तरफ, उफ यहाँ तो कुछ जाला था, मेरी आँख पे लग गया। तो जी ये देखें बादल, ये था जंगल, पीछे बहुत सारा रह गया, ये देखें बादल, अब आलमोस्ट हम लोग करीब पहुँच गए। तो बस ये वाला रास्ता सामने आप लोगों को एक बड़ा सा दरख्त नज़र आ रहा है, इसके साथ जो है ये नहीं घर नहीं है, ये गेस्ट रूम टाइप है, गांव में आप लोगों को पता अलग से बनाए जाते हैं, मतलब गांव में और ही हिसाब होता है बहुत ज़्यादा ना, जैसे कि कहा जाता है कि एक प्रोविंस का कल्चर, एक सूबे का कल्चर दूसरे
प्रोविंस के कल्चर के साथ चेंज होता है, मतलब मैच नहीं करता है। सेम इसी तरह ना गांव और शहर का भी कल्चर कह लें मैच नहीं करता है बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड। अच्छा मैं वीडियो बना रही थी, पीछे से ना मुझे जो मेरे साथ आ रही उनमें से एक कहती है कि ये जो सामने दरख्त है इस पर जन्नत का बसेरा भी है। कहा जाता है ये बहुत पुराना है, बहुत सालों पुराना है। तो कहती हैं कैसा ना हो फिर आगे जाने की बजाय पीछे भागना पड़े। तो मैंने कहा अच्छा है मे भी कुछ दिन कैप्चर हो जाए। तो वैसे कहा जाता था कि इस पर ना जन्नत वगैरह का बसेरा है। तो आप माशाल्लाह देखें ये इसको देख के पता चलता है, मतलब कुछ होते हैं ना दरख्त के उनको देख के नहीं पता चलता कि ये इतने पुराने हैं या कुछ मतलब। लेकिन इसका आप ऊपर से ना हुजम देखें उसको देख के पता चल रहा है कि ये बहुत पुराना दरख्त है। मैं इसके करीब जाके आपको दिखाती हूँ, लेकिन अब तो मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा डर भी होने लगा कि जन्नत का बसेरा है। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी सांस फूल गई है, तो इस बात पे ना जाइएगा। बाकी जो है वो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बोरिंग हो जाती है लंबी वीडियो। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आप इस इंजॉय करेंगे। बाकी अभी मैं उनके घर के बिल्कुल सामने होके भी कुछ क्लिप्स लूँगी, ऐड करूँगी, उसके बाद वहाँ पहुँच के निकलने तक तो अंधेरा हो जाना है, बट मैं ट्राई करूँगी। ये देखें जी ये दरख्त, ओ वाओ यहाँ तो माल्टे भी लगे हुए हैं, चेक करें छोटा सा पौधा और इसके साथ फ्रूटिंग, ग्रेट। ये देखें यहाँ पे भी है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ की, ये इन लोगों ने बनवाया था, इसके साइड पे सारा जाला लगा हुआ है। तो इसके अंदर पहले तो उन्होंने सोचा था कि फार्म मतलब डेयरी फार्म बनाने का, लेकिन फिर किसी वजह से डेयरी फार्म मतलब किसी वजह से उन लोगों ने फिर स्किप कर दिया। अभी तो बस जो घर में दो चार रखे हुए हैं मुर्गे मुर्गियाँ वही अंदर हैं। उनके घर हम पहुँच गए, वो दरख्त के पीछे उनका घर जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो जी आगे सारे बैठे हुए हैं मर्द हजरात, इसलिए मैं बंद करी हूँ कैमरा। तो मिलते हैं आपसे फिर।